ओम नमः शिवाय। काफ़ी सारी अलग अलग स्टेट से काफ़ी सारे भक्तों ने मेरे को वीडियो और फोटो शेयर किए हैं, जो कि मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने दर्शन किए तो मेरा मन हुआ क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपके पास भी आसपास मंदिर में कोई अच्छी वीडियो हो या पुरानी यात्राओं की वीडियो हो जो कि आप भक्तों तक पहुँचाना चाहते हो, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर शेयर कर सकते हैं। मैं उसे अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा। ये बाबा भोले का वो रूप हम आपको दिखा रहे हैं जब बाबा हमसे सिर्फ 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। आप देखिए, आपको सामने बाबा के दो चरण दिखाई दे रहे होंगे। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बाबा के दो चरण। पालथी मार के जैसे बाबा बैठते हैं ना, वैसे बाबा बैठे हुए हैं, और यही चरणों के स्पर्श करके आना है हमें। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देख सकते हैं ये जलधारा जो है वो तो बाबा के चरणों से होती हुई आ रही है। अगर पहले सबसे पहले मैं इस बाबा के चरणों से निकली हुई चरण स्पर्श धारा से कुछ जल भरूंगा, जिससे कि मैं मेरे जानने वाले, मेरे सगे संबंधी, मेरे पुरखे सब कृतार्थ हो सके। बाबा का प्रसाद मुझे चाहिए, यही बाबा का प्रसाद है। मैं सभी भोले भक्तों को बताना चाहता हूँ, जो लोग नहीं आए हैं यहाँ पे, उत्सुकता बस पूछते हैं कि वहाँ कुछ रुपए चढ़ा देना, वहाँ कोई मंदिर होगा तो प्रसाद चढ़ा देना। भक्तों, यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है, ये बाबा का घर है। घर यहाँ बाबा खुद स्वयं निवास करते हैं, और सिर्फ उन्हें ही बुलाते हैं जो बाबा के बहुत ही छठे हुए कृपा निधान होते हैं, जिन पर बाबा की साक्षात कृपा दृष्टि बरसती है, और प्रसाद रूपी जल ही उसके जीवन को सफल बनाता है। यही बाबा के चरणों को अगर आपने अगर छू लिया, स्पर्श कर लिया, तो बस आपका जीवन धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ मेरे एलो साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ तक आने की परमिशन दी, क्योंकि यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। चाइना गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है। ज्यादातर लोग सिर्फ कैलाश की परिक्रमा करते हैं। हम उन कुछ चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में हैं। हमारे बैच में भी 48 लोग हैं, उनमें से कुछ 15-16 ही हैं जो पीछे आ रहे हैं। अभी पता नहीं कितने लोग यहाँ तक चढ़ पाए हैं, कितने लोग नहीं चढ़ पाए। मेरे सामने दादा भाऊ हैं और मैं दूसरा व्यक्ति हूँ। मेरे पीछे तीसरे नंबर पर नागा, और उसके पीछे दर्श मैडम और हिमांशु है, क्योंकि मेरे हिमांशु मेरे कानपुर से ही है। तो उसके पीछे भी मैं आशा करता हूँ सभी लोग भोले से, बाबा भोले से मिलने के लिए जोर चढ़ते हुए आ रहे होंगे। सबके मन में उतनी ही श्रद्धा है, किसी के मन में कम नहीं है। सब भोले को उतने ही नजदीक से देखना, प्यार करना, महसूस करना, मिलना, आलिंगन करना चाहते हैं। मैं तो यहाँ तक पहुंचा, बस थोड़ा सा और बाबा के चरणों से पानी भरना है। सभी अपने पुरखों को कृतार्थ करना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। बाबा के दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। मेरी पूरी जिंदगी, जितना मेरा जीवन शेष है, अब मेरी जिंदगी में और कोई ऐसी मनोकामना नहीं है, कोई ऐसा सुखद क्षण नहीं है जो इससे ज्यादा अलौकिक हो। कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा ऐसा क्षण होगा। और मैं बस बाबा से यही दुआ करूंगा, बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि हे बाबा जल्द से जल्द मुझे दोबारा बुलाएं, मुझे बुलाते रहें अपने घर पे। ओम नमः शिवाय, मुझे बुलाते रहें। अभी वो चरण स्पर्श के दर्शन कराऊंगा जहां से जल भरते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल कल करके बहती हुई भोलेनाथ के चरणों से आती हुई चरण गंगा साक्षात भोलेनाथ के जटा से निकल के आ रही है। यह वह जल है जो बर्फ के रूप में कैलाशपति
अपने शीश में धारण करते हैं और वहां से पिघल कर नीचे आ रहा है। वाह रे कैलाशपति, अद्भुत दर्शन, वाह रे चरण स्पर्श के दर्शन भी मैं कराना चाहूंगा मित्रों। ओम नमः शिवाय। वो देखिए सामने कुछ लोग हैं जो कि जल भर रहे हैं। मैं भी शीघ्र उस पावन स्थान पर पहुंचना चाहूंगा जहां से लोग बाबा के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिगुणधारी कैलाशपति विघ्न विनाशक श्री भोलेनाथ, देखिए कितना दुर्गम रास्ता भोलेनाथ ने बना दिया है कि भक्त आ ना पावे, लेकिन भक्त हैं कि जो जाएंगे जरूर। ओम नमः शिवाय। बड़ा ही दुर्गम है, ये है भोले बाबा के चरण। बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ जो यहाँ तक आया हूँ। ओम नमः शिवाय। आए, अरे बाबा भोले के दर्शन है।